Hello students, a very warm welcome for this particular session. As you can see, the session is basically describing how you can enter the top NITs or your dream NITs which you want to be part of. There are 31 NITs in India, for those who do not know. So what we guys are going to talk, how to enter into these NITs, something about closing and opening ranks and why? Because we understand that abhi aapke paas time mil raha hai. Time mil raha hai, toh ek uncertainty hai ki sir, kya karein? Pata nahin paper kab hoga. But this can actually act as a fuel which will give you an idea ki agar aapki abhi wo percentile nahi hai jahan par aapka college aapko mil sakta hai, you should start working really really hard. So please, I will try to keep it very crisp. PDF will be available for the all the data that I am going to show. So koi copy karne ki zarurat nahi, chupchap sune aur jaldi se PDF ko download karke apne paas rakhein. So 31 NITs are there in total. Just a quick idea of where they are spread in across India. And obviously the top 5 are generally the lower 4 jo South India mein jyada paaye jaate hain, to unke baare mein hum log baat karenge. 31 NITs mein kya hota hai. What we are going to cover is opening and closing rank and opening and closing percentile. There are some considerations which you have to understand. Humne opening rank ko liya hai round 1 2020 ki. Round 1 se humne opening rank aur opening percentile calculate kara hai. Closing rank ke liye we have gone to round 6. So that means you get an idea. हम करने को राउंड 6 भी ले सकते थे ओपनिंग रैंक का, उससे आपको कॉम्पिटिटिवनेस समझ में नहीं आई कितना जल्दी वो कॉलेज ओपन हो जाता है. तो वी वांटेड टू गिव यू एन आइडिया कि राउंड 1 में क्या होता है, जबकि राउंड 1 के बाद भी काफी चीजें पीछे पीछे खिसकती हैं, बट यू गेट एन आइडिया कि हाउ कॉम्पिटिटिव दैट कॉलेज इज गोइंग टू बी फॉर यू. ऑल मार्क्स एंड परसेंटाइल आर शोन फॉर ओपन कैटेगरी. दे आर लॉट ऑफ कैटेगरीज एट जोसा. वी हैव टेकन ओपन कैटेगरी, दैट्स वॉट वी गाइज हैव टेकन. And the percentile is calculated keeping, भाई 2020 का डेटा है तो हमें percentile calculate के हिसाब से करी गई है. 10,23,000 unique candidates were appeared in the 2020 exam. According to that, we have calculated the percentile. So these four are the criteria which you have to keep in mind if you are again downloading the PDF. चलो, so top 5 NITs की बात करें, and top 5 NITs हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं NIRF की ranking की वजह से, जो government NIRF ranks देता है agency, उसके हिसाब से. तो त्रिची, सूरतकल, राउरकेला, वारंगल, कैलिकट, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, तेलंगाना, केरला, ऑल साउथ स्टेट्स ऑलमोस्ट, राइट? उड़ीसा को अगर हम साउथ नहीं माने तो, राइट? दीज आर द टॉप 5 एनआईटीज अकॉर्डिंग टू एनआईआरएफ. अब इनके ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग कि होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट कोटा पे क्या क्या होता है. सो फिर से नोट करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ विल बी अवेलेबल. तो होम स्टेट की अगर हम बात करें टॉप 5 एनआईटीज की, होम स्टेट कोटा में ओपनिंग देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी शुरू है. दिस इज ऑल इंडिया रैंक, ये है ऑल इंडिया रैंक और ये है एप्रोक्सीमेट. इट माइट नॉट बी परफेक्ट फिट गाइस, बट इट इज एप्रोक्सीमेट परसेंटाइल कैलकुलेशन फॉर दीज गेटिंग दीज रैंक्स. सो फॉर एग्जांपल त्रिची में अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए था होम स्टेट कोटा से, तो 1000 पे ओपन हुआ था राउंड 1 में. और लास्ट रैंक जो त्रिची पे एप्लीकेबल थी, दैट इफ यू हैव 42,176, तो त्रिची में कुछ ना कुछ जो सबसे लोएस्ट था ब्रांच वो मिल जाएगा. सो दिस बेसिकली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि मुझे कहां से कहां तक की रेंज में रैंक चाहिए, सो दैट आई गेट. ऑब्वियसली जो ओपनिंग रैंक होगी दैट विल बी फॉर मोस्टली कंप्यूटर साइंस. एक दो एक्सेप्शन होती है कहीं कॉलेज में, कभी कभी मैकेनिकल पहले खुल गई या कभी कभी कुछ और पहले खुल गया, बट जनरली दी ओपनिंग रैंक्स आर जनरली फॉर कंप्यूटर साइंस डिविजन. सो जस्ट इमेजिन ओपनिंग राउंड 1 ओपनिंग एंड दिस इज क्लोजिंग फॉर राउंड 6. आई अगेन रिपीट, ऑब्वियस ही बात है, परसेंटाइल देखो तुम 99.9 परसेंटाइल, 99.9. बट गुड पॉइंट इज इफ यू वांट टू एंटर इनटू योर कॉलेज, यस दिस इज 95.8, 96.4, इतना तक नीचे जाता है. ठीक है, अब यही चीज अगर हम कंपेयर करेंगे आउटसाइड स्टेट कोटा से, दिस विल बी इवन मोर ड्रास्टिक चेंज. अंडरस्टैंड ऑलवेज दैट होम स्टेट जो होती है, होम स्टेट में जो ओपनिंग जाती है एज कंपेयर टू ओपनिंग ऑफ आउटसाइड, आउटसाइड की हमेशा ओपनिंग कम होती है, सीट्स लिमिटेड है, डोमिसाइल नहीं है, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा होगी. 163 पे ओपन हुआ था त्रिची, एंड क्लोजिंग मतलब राउंड 6 में भी लास्ट सीट जो थी वो 22,000 पे फिल हो गई थी. दैट हाउ कॉम्पिटिटिव इट इज. सो इफ यू वॉन्ट टू बी कि नहीं मुझे त्रिची में अपनी मनपसंद की कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो यार 99.9 से ऊपर या फिर 99.95 से ऊपर आपको परसेंटाइल चाहिए. दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट प्लानिंग. जैसे अगर हम टॉप 5 में भी बात करें तो लोएस्ट आता है कैलिकट. कैलिकट भी 1600 समथिंग पे ओपन हो गया था इस बार. अगर मैं राउंड 6 तक जाऊंगा तो ये हो सकता है 1600 की जगह 3000 फिगर भी हो जाए ओपनिंग, बट
जरूरी नहीं है। बीच बीच में कई लोग ऐसे होंगे जो 1600 पे ले लेंगे क्योंकि उनका आईआईटी में अच्छा रैंक नहीं आया होगा। सो प्लान अकॉर्डिंग टू दिस, बट ये मैं क्लोजिंग राउंड 6 की क्यों दे रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, चलो अगर यार पीछे भी रैंक आई तब भी मैं शायद इन कॉलेजेस में एंट्री ले सकता हूँ। गॉट इट? परसेंटाइल देख रहे हो कितनी हाई है, कितनी हाई परसेंटाइल है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट 9 आईआईटीज। अच्छा, इसमें अगर आप नेक्स्ट 9 आईआईटीज के बारे में बात करते हैं, सो यू विल फाइंड सम ब्लैंक्स हियर बिकॉज इनकी एनआईआरएफ रैंकिंग नहीं है अवेलेबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनआईटी दिल्ली, एनआईटी दिल्ली की अभी तक एनआईआरएफ रैंकिंग डिक्लेयर नहीं हुई है, आई डोंट नो फॉर व्हाट सो रीजन, बट यस यू नो दैट इट इज वेरी वेरी अपकमिंग एनआईटी बिकॉज बींग सिचुएटेड इन कैपिटल, राइट। सो इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राइट। आ जाओ इनके ऊपर बात करते हैं। आ जाओ फिर से वही चीज, होम स्टेट एंड आउटसाइड। सो होम स्टेट की अगर हम बात करें, देख रहे हो ओपनिंग्स बहुत जबरदस्त जाती है होम स्टेट में, कई कई बार आपकी जो वेरिएशन है आपको बहुत अजीब अजीब मिलेगी बिकॉज डोमिसाइल का फंडा आ जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो यहाँ त्रिची पे, अगर मैं आउटसाइड स्टेट की बात करता हूँ तो 1000 पे आती है, वेयर एज 990 पे जयपुर ओपन हो गया था, राइट। बट दिस इज अगेन राउंड 1 नॉट राउंड 6, बट यू नो दैट आपकी स्टेट में, इसका मतलब राजस्थान की स्टेट में इसकी वैल्यू बहुत हाई है, परसीव्ड वैल्यू बहुत हाई है। दैट मीन्स अगर आप होम स्टेट से बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, दैट्स वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर होम स्टेट कोटा, राइट। सो ऑब्वियसली बात है, 1000 आएगी तो 99.9 परसेंटाइल चाहिए, और लास्ट रैंक जो गई थी राउंड 6 पे एमएनआईटी में, दैट वॉज 96.99, ऑलमोस्ट 97% पे तो क्लोज हो गया सब कुछ, कॉलेज क्लोज हो गया, लास्ट रैंक वॉज राउंड 6 पे जाके 30,757। सिमिलरली इफ यू सी एनआईटी दिल्ली देखते हैं, एनआईटी दिल्ली हैज बीन पिकिंग अप द चार्ट्स लाइक एनीथिंग, 2400 पे ओपन हुआ और 26,000 पे बंद हो गया। कई कई जगहों पे पहले क्यों बंद हो गया सर, क्लोजिंग क्यों बंद हो गई, बिकॉज जयपुर से पहले ही क्लोज हो गया, बिकॉज सीट्स लिमिटेड है, ब्रांचेज लिमिटेड है। एनआईटी दिल्ली लेट बहुत बाद में ओपन हुआ एज कम्पेयर टू एमएनआईटी, सो इसलिए इसमें ब्रांचेस कम है, सीट्स कम है, इसलिए फिल जल्दी हो जाएगा। सो इसलिए बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। बट नाउ यू हैव एन आइडिया कि मुझे अगर अपने ड्रीम स्टेट के एनआईटी में जाना है, देन व्हाट इज द पिक्चर, हाउ इट लुक्स लाइक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एसवी एनआईटी की बात करते हैं, एनआईटी सूरत, एनआईटी सूरत में क्लोजिंग बहुत लेट तक होती है, नोटिस करो, ओपनिंग अच्छी होती है, क्लोजिंग बहुत लेट होती है, बट दिस इज अगेन होम स्टेट कोटा। अगर मैं आउटसाइड स्टेट कोटा की बात करता हूँ, फिर से देयर विल बी चेंजेस, फिर से देयर विल बी चेंजेस। एंड अगेन डिड यू नोटिस एमएनआईटी जयपुर फिर से यहां पर बड़ी बाजी मारता है, वो प्रेस्टिजियस कॉलेज है, वैल्यू है, टॉप। अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो यहां से प्रूव हो जाता है कि वो नॉर्थ में बहुत टॉप लेवल पे आता है। फिर एमएनआईटी इलाहाबाद, ठीक है, 783 पे ओपन हो गया था, क्लोज ऑलमोस्ट दोनों सेम लेवल पे हो रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, 1000 से नीचे होगी तो 99.9 परसेंटाइल चाहिए होगी आपको, लास्ट तक जाती है 96.5 परसेंटाइल तक, ठीक है। भोपाल का अगर हम बात करें, मैनेट की मानित जाता है आपका आउटसाइड स्टेट कोटा के लिए शुरू हो जाता है कुछ कुछ 4000 से, विच इज अ ब्रीदर एक्चुअली, ठीक है, कि कुछ हाँ स्पेस मिला, 4000 भी आती है तो हाँ हमें कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी मानित में, ये पक्की बात है। तो अब आप आइडिया लगा लो कि आप कौन कौन सी परसेंटाइल में कहाँ झूल रहे हो, आप कौन सी परसेंटाइल में से कहाँ कहाँ मिल सकते हैं आपको। ओपनिंग डिसाइड करता है कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम, क्लोजिंग डिसाइड करता है उस कॉलेज की सबसे घटिया स्ट्रीम। मेरे को वर्ड घटिया यूज नहीं करना चाहिए, बट रिस्पेक्टिवली अगर मैं बात करूँ तो मतलब समझ जाओ कि यार जैसे मेटलर्जी एंड अर्थ साइंसेस की कोई फील्ड होगी वैसी टाइप की फील्ड, जबकि हो सकता है वहां से प्लेसमेंट अच्छी निकल जाए, पर उसकी परसीव्ड वैल्यू उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। प्लेसमेंट का परसीव्ड वैल्यू से कोई लेन देन नहीं होता, वो कभी और किसी सेशन में बात करेंगे। देन दी 10 नेक्स्ट आईआईटीज की अगर हम बात करें, गोवा, दुर्गापुर, अगरतला, अगेन आई ट्राइड, ये अब की बार ये वाली मैंने एनआरआईएफ की रैंकिंग के हिसाब से नहीं निकाली है, ये निकाली किस हिसाब से, ओपनिंग रैंक्स अकॉर्डिंग टू आउटसाइड कैटेगरी, सबसे ज्यादा पैरामीटर वहीं पर फिट होता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, अगर आपका गोवा, दुर्गापुर, आपको गोवा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, इनमें अगर आप फॉल करते हैं, यार होम स्टेट है आपका, आ जाओ। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो ओपनिंग परसेंटाइल नीचे आती जाएगी, ठीक है, विच इज समथिंग गुड ऑल्सो। तो अगर आप नोटिस करो तो गोवा में 14,000, बंगाल में 1400-1500 पे ओपन हो जाता है, बट आगे तक काफी जाता है, 50,000 एनआईटी दुर्गापुर, राइट, प्रेस्टिजियस वन, ठीक है। अगर आप बात करते हैं आंध्र प्रदेश, एनआईटी आंध्र प्रदेश, एपी, राइट, 3500, तो कई की बात जब राउंड 6 तक हम बात करते हैं तो ओपनिंग इसकी 4500 तक चली जाती है, पर आखिर तक देखो आगे वाली फील्ड्स काफी आगे तक जाती हैं, बट देन यू हैव टू गेट एन आइडिया। अगर मैं सोच रहा हूँ मेरी इतनी रैंक आ रही है या इतनी परसेंटाइल बन रही है, तो आपको फिर
नीचे के NITs और उनमें पीछे की स्ट्रीम्स मिलने वाली हैं, टॉप NITs और टॉप स्ट्रीम नहीं मिलने हैं। अभी भी देखा जाए NITs कवर नहीं हुई, ये हमारी आउटसाइड स्टेट की आ गई। PDF अवेलेबल है, आराम से जाके डाउनलोड करके देखो। इट इज़ जस्ट टू गिव यू कि एक आपको पंप मिलना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप, मैं सर यहाँ पर बैठा हूँ 96 पे मान लो, ठीक है मैं 96 पे बैठा हूँ सर, मुझे 99 पे जाता हूँ तो मुझे क्या क्या मिलना शुरू हो जाएगा, या फिर मेरा अगर ड्रीम टारगेट है सर टॉप ब्रांच एट टॉप 5 NITs तो मेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है, दैट इज़ वॉट यू वॉन्टेड टू डू। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, 10 तो नहीं, अब 7 ही बची हैं मेरे पास लिस्ट में, पुदुचेरी, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, श्रीनगर एंड मिजोरम, इन यस लोएस्ट कैटेगरी की आती हैं NITs। लोएस्ट कैटेगरी अगेन आई एम सेइंग बिकॉज ऑफ दी प्रेफरेंस गिवन बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी, इनकी ओपनिंग भी बहुत पीछे पीछे तक जाती है, ठीक है। होम स्टेट में तो जनरली पीछे जाती है इनकी, क्योंकि होम स्टेट में उतनी पॉपुलेशन का प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके हिसाब से बहुत पीछे पीछे तक जाएंगी, 21,000, 60,000, 45। बट अगर हम आउटसाइड, ये होम नहीं बच्चों, आउटसाइड स्टेट कोटा की बात करते हैं, तो आउटसाइड में यही चीज इंप्रूव हो जाएगी। तो अब आपको आइडिया लग गया है कि यार देखो मुझे क्या चाहिए और मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे कितनी और मेहनत करनी है, तो यार मेहनत करना शुरू करो। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कि आपका ड्रीम NIT कौन सा है, जबकि आपका ड्रीम शायद IIT हो, बट प्लान बी का NIT आपका कौन सा है। IIT के बाद आप अगर NITs में पिक करते हैं, अभी सारे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर अभी और GFTI और CFTI कॉलेजेस हैं जो मेरा ड्रीम है, जैसे IIITs हैं सारे के सारे, या फिर अगर हम दिल्ली की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो आपके DTU है, NSIT है, और ऐसे बहुत सारे, हर स्टेट में कोई ना कोई एक अच्छा कॉलेज होता है जिसके लिए हम कोशिश करते हैं। बट अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सा NIT है जिसके लिए आप चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और उसके लिए प्लीज़ शिद्दत के साथ तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी भी मंजिल दूर है, टाइम भी है, सिर्फ मेहनत की करने की कमी है। तो मेहनत करिए, होप यू गेट योर टारगेट, होप यू गेट द टारगेट दैट यू वॉन्ट टू अचीव विद रिगार्ड टू योर रिस्पेक्टिव NIT, बिकॉज एवरीबडी, हमारा टारगेट क्या है, लेट्स गेट यू इनटू दैट 99% क्लब, सो दैट अब कोई टेंशन ही नहीं है कि अगर हम चूज करना की बात करेंगे, हाँ हमें कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी, बट दूसरी स्ट्रीम मिलनी शुरू हो जाएंगी वंस वी अचीव दैट 99% बैरियर। कंप्यूटर साइंस चाहिए, हम 99.9% क्लब की तरफ प्रस्थान करना शुरू करेंगे और उसके हिसाब से मेहनत करना शुरू करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप योर सेल्फ रियली रियली सेफ, डू नॉट मूव आउट, अपने आप को बचा के रखिए, कोविड इज नॉट गॉन एनीवेयर, केसेस कम हुए हैं, बोर्ड कैंसिल हुआ है, पर सेफ्टी रखने के लिए ही कैंसिल हुआ है, इसलिए अपने आप को बचा के रखिए। गॉड ब्लेस एंड वी होप दैट दिस PDF इज यूजुअल एज वी डू जनरली डू ऑन MathonGo, एंड कीप कमिंग अप on our channel for these kind of lovely videos. God bless. Take care.